हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेरी वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट राउंड नंबर 3 गाइडलाइंस। दोस्तों, जैसे कि पता है कि राउंड नंबर 2 ऑफिशियली यहां पर फिनिश हो गया है और अब यहां पर बारी आ रही है राउंड नंबर 3 की। राउंड नंबर 3 जो है वो क्या होने वाला है? राउंड नंबर 3 होने वाला है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट और ग्रांटेड इंस्टीट्यूट्स के लिए। इसके अंदर यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स कवर नहीं की जाएगी। राउंड नंबर 3 जो है अगेन सिमिलर रहने वाला है आपके मॉक राउंड की तरह, आपके राउंड नंबर 1 और राउंड नंबर 2 के तरह। जिस तरह से आपने इन तीनों पहले के राउंड्स के अंदर चॉइस फिलिंग की थी, सेम रूल्स यहां पर एप्लीकेबल होंगे राउंड नंबर 3 के लिए। बट यहां पर सिर्फ और सिर्फ चांसेस यही है कि अब यहाँ पर आपको गवर्नमेंट और ग्रांटेड में ही एडमिशन मिलेगा। सेल्फ फाइनेंस की कोई भी कॉलेज चॉइस फिलिंग में इंक्लूड नहीं की जाएगी। तो राउंड नंबर 3 होने वाला है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट और ग्रांटेड के लिए। यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस कॉलेज नहीं आने वाली है राउंड नंबर 3 के अंदर। मैं डेमो के लिए आपको एक लिस्ट बना के दे दूंगा, वो हम किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। गाइडलाइन के बारे में बात करूँ तो ये राउंड के ऑफिशियली टाइमिंग्स क्या है, ये राउंड की ऑफिशियल टाइमिंग है सिर्फ और सिर्फ 3 दिन, विच इज 20th से लेके 22nd अगस्त तक। इसके बाद यहाँ पर 24th को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर राउंड नंबर 3 काफी छोटा रहने वाला है, काफी छोटा यहाँ पर चलने वाला है। और राउंड नंबर 3 यहाँ पर कब आके खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। राउंड नंबर 3 जो है यहाँ पर आपको एक और चांस देता है कि आप फिर से यहाँ पर आपकी जो कॉलेज है उसको चेंज कर पाओ, और उसके अंदर यहाँ पर आप कॉलेज को स्वैप करना हो तो स्वैप भी कर सकते हो। बट राउंड नंबर 3 के लिए सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि मैंने बोला, गवर्नमेंट और ग्रांटेड ही मिलेगी। तो इस तरह से यहाँ पर आप राउंड नंबर 3 के अंदर गवर्नमेंट और ग्रांटेड के अंदर स्वैप कर पाओगे। इसके अलावा राउंड नंबर 3 जो है लास्ट राउंड होने वाला है आपके एडमिशन का, एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज का। इसके आगे यहाँ पर कोई भी राउंड नहीं होने वाले हैं एडमिशन के ऊपर। राउंड नंबर 3 लास्ट राउंड के बाद यहाँ पर सारी की सारी सीट्स है वो कॉलेज को दे दिया जाएगा। और अगर आपको उस सीट के ऊपर एडमिशन के लिए अप्रोच करना है तो फिर यहाँ पर आपको डायरेक्टली कॉलेज को अप्रोच करना होगा। सो यहाँ पर आई होप कि अब आप राउंड नंबर 3 के लिए रेडी होंगे। अगर यहाँ पर राउंड नंबर 3 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।